स्टार्ट करने वाले हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है जेली एवं अवलेबल। जेली उन फलों से बनाई जाती है जिनमें पेक्टिन की मात्रा अच्छी होती है, यानी जो पेक्टिन के फल होते हैं उनसे जेली बनाई जाती है। तो पहले हम देखते हैं जेली की परिभाषा। पेक्टिन युक्त फलों को खटास व चीनी के साथ मिलाकर पकाकर तैयार किया गया अर्ध ठोस व पारदर्शी पदार्थ जेली कहलाता है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल है वह अमरूद, यानी जो अधपके अमरूद होते हैं उनमें जेली या पेक्टिन की मात्रा अधिक होती है या अच्छी होती है, इसलिए अमरूद या अधपके अमरूद होते हैं जो अधपके अमरूद अच्छे माने जाते हैं। अब जेली के लिए हम लेते हैं इसका जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन का पीएच होता है 3.3 पीएच होना चाहिए। टीएसएस अगर जेली का टीएसएस देखें टोटल सोल्यूबल सोल्यूबल वो होता है 65%। इसके बाद बात करते हैं इसके फलों के रस की, वो 45% फलों का रस होता है, ठीक है 45%। और इसके लिए फलों का रस है वो होता है फलों का रस 45% फलों का रस होना चाहिए। अब पैकेटिंग बनाने के लिए हम इसके अंश है वह कौन कौन से होने चाहिए इसके अंदर, तो वो देखने के लिए सबसे पहले सबसे मेन जो अवयव है वो होती है पैकेटिंग, वो होती है 1% पैकेटिंग होती पैकेटिंग 1%। उसके बाद में आती है चीनी होती है 60 से 65% चीनी होती है। फिर आता है अम्ल की मात्रा देखिए 0.75 से 0.90% अम्ल मिलाते हैं। और लास्ट में आता है पानी आता है वो 33 से 38% पानी मिला, ठीक है। ये अम्ल जेली के उपयुक्त होते हैं। जेली के अंदर मुख्य ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर जेली के अंदर पेक्टिन की मात्रा अधिक है और चीनी की कम है तो पेक्टिन स्टिफ यानी कड़ी बन जाएगी। और अगर जो जेली है जेली के अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा वह पेक्टिन अगर कम है तो जो जेली है वो सिरप की तरह बन जाएगी, यानी बहने वाली बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसके लिए जो मुख्य बिंदु है भाई हम आगे देखते हैं अच्छी जेली की जो विशेषताएं होती है, यानी जो अच्छी जेली है अच्छी जेली पारदर्शी होनी चाहिए, समझदार होना चाहिए। और अगर उसको चाकू से काटा जाए तो दो भागों में डिवाइड होना चाहिए, चाकू की भी नीचे। अगर उसको ठंडा किया जाए तो बर्तन का आकार गायब होना चाहिए और जेली स्वाद और सुगंध में भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम इसके लिए आगे स्टार्ट करते हैं इसको जेली बनाने की जो विधि है उसको शुरू करते हैं। जेली बनाने की विधि के लिए हम सबसे पहले फलों का चुनाव करते हैं, फलों का चुनाव। अब फलों का चुनाव के साथ फल साफ स्वच्छ वह अच्छे होने चाहिए और अधपके होने चाहिए, जो अमरूद है वो अधपक अमरूद होना चाहिए, इसके अंदर पेक्टिन की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है। अधपके फलों के अंदर प्रोपेक्टिन, यानी जो प्रोपेक्टिन होती है वो अधपके फलों में प्रोपेक्टिन अधिक होती है, इसको गर्म करने पर ये पेक्टिन में बदल जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसके बाद आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक है इसका फलों से पेक्टिन प्राप्त करना, यानी नेक्स्ट डे फलों का चुनाव कर लिया और फलों से हम पेक्टिन प्राप्त करनी है। तो पेक्टिन प्राप्त करने के लिए हम फिर जो अमरूद है उसको छील लेंगे, यानी उसको छील के काट लेंगे और बर्तन में ले लेंगे, उसको फिर उबाला जाएगा, उसी स्टेज में पेक्टिन प्राप्त करना। इसके लिए उसको उबाला जाएगा और उबालने के बाद उसको एक अगर हम कपड़े से छानते हैं तो उसको दबाना नहीं चाहिए,
डायरेक्ट निकालेंगे। फिर देखते हैं पेक्टिन को उबाल समय मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि ज्यादा नहीं उबालना, क्योंकि अगर ज्यादा उबाल दे तो पेक्टिन वे जो और गुद्दा है और होगा वो मिक्स हो जाएगा और जेली अपारदर्शी हो जाएगी। हमारे को पारदर्शी जेली चाहिए, इसलिए इसको कम उबाल लेंगे और उसको कपड़े से सान। अगर व्यवसाय के स्तर पर आप जेली बना रहे हैं तो उसको मशीनों से सना जाता है और एक जेली जेल का प्रयोग किया जाता है, जेली जेल है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे आगे हम देखते हैं जेली का जो पैकिंग और पूरा का परीक्षण करना। पैकिंग का परीक्षण करने के लिए दोस्तों जो पैकिंग का परीक्षण है वो हम जेल पेड़ के द्वारा करते हैं और जो पैकिंग में चेंज लगाई जाती है वो पैकिंग के आधार पर लगाई जाती है, पैकिंग के आधार पर जेल में चेंज लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम पैकिंग जांच की विधियां। पैकिंग जांच के लिए पहले पैकिंग का परीक्षण हुआ है एल्कोहल परीक्षण। एल्कोहल परीक्षण क्या होता है, गमले के तार पर ठंडा किया हुआ रस है उसकी एक चम्मच ले लिए, उसके अंदर द्रवण मात्रा के अंदर एल्कोहल या स्पिरिटिन मिला लीजिए। अब एल्कोहल मिलने क्या है, वो ठोस में पैक्टिन है वो ठोस में परिवर्तित हो जाएगी और उसको हम अगर पानी में मिलाते हैं तो अगर एक डेली के रूप में आती है तो जेली अच्छी है, अगर दो या तीन डेली आते हैं तो जेली मध्यम है, अगर जेली पानी में या जो रस है उसमें घुल गई तो जेली बेकार है, अच्छी नहीं है, दोबारा बनानी पड़ेगी। अब देखते हैं हम जो जेली है उसके अंदर चीनी मिलाएंगे, तो जेली मिलाएंगे एल्कोहल परीक्षण जो करने के बाद में हम इसके अंदर जो चीनी मिलाएंगे वो मिलाएंगे पैक्टिन की मात्रा के आधार और इसको पुनः गर्म करेंगे। पुनः गर्म करते समय अगर 103 डिग्री तक उबाल आ जाए तो इसके अंदर साइट्रिक अम्ल या हीमोगा रस मिला देंगे। कितने डिग्री में, 103 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान पर मिला देंगे। ठीक है, मिलाने कितनी है पहले बताया 0.78 से 0.90% अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या है कि जेली है वो साफ हो जाएगी। ठीक है, साफ जब जेली का अंतिम उबाल 105 डिग्री कितना 105 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो जेली तैयार है। ये जेली का अंतिम बिंदु भी कहलाता है, इस टेम्परेचर में जेली तैयार हो जाती है। दोस्तों हम देखते हैं लास्ट के अंदर जेली के जो अंतिम बिंदु होते हैं जेली कब तैयार हुई, जेली भी तैयार हो जाती है। अगर इसका TSS है, TSS 65% होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है इसके अंदर अगर जेली को गिलास या किसी बिकर के अंदर पानी भर के उसमें एक या एक चम्मच ला लिया जाए तो उसकी गली में बैठ जानी चाहिए और इसके लिए जो लास्ट अंतिम बिंदु होता है वो होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। धन्यवाद दोस्तों।